प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आज मैं कक्षा 9 के बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 9 के बच्चे बात बात नामक हिंदी गद पढ़ रहे हैं। हिंदी गद में जो बात है, इसका पहला वीडियो हम पिछले दिन बना दिए थे। आज मैं दूसरा वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ, तो आप लोग आइए देखते हैं। जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुँचा हुआ है, तो हमारी कौन बात रही। एक प्रताप नारायण मिश्र कह रहे हैं, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुँचा तो हमारी कौन बात रही। यानी इनका कहने का अर्थ है कि हमारी बात परमेश्वर तक के पहुंच चुका। अच्छा, अर्थात जो हम बातें करते हैं उन्हीं बातों के माध्यम से, अर्थात बात में जो मंत्र है, मंत्र अर्थात जो सिद्धि प्राप्त करते हैं लोग, अर्थात वो मंत्र बात ही के माध्यम से बोला जाता है। उस मंत्रों का उच्चारण हम करते हैं, जिसका प्रभाव हमें देवी देवता और ईश्वर तक पड़ता है। तो हमारी कौन बात रही, अर्थात हम अपनी बातों को इस मंत्र सिद्धि के द्वारा, अर्थात उस श्लोक को पढ़कर अपनी बातों को ईश्वर तक पहुंचा सके हैं। हम लोग के तो गातमय बात करामात, बातमय गात करामात का अर्थ ये हुआ, जे गात का अर्थ होता है शरीर। यानी एक कह रहा, इस शरीर से जो भी बातें होती हैं वो कई करामातें कर सकती हैं। अर्थात हम बात द्वारा बहुत से, यानी बनते हुए बात को बिगाड़ सकते हैं, बात के द्वारा बनते काम को बिगाड़ भी सकते हैं, अब बात ही के से बिगड़ते हुए काम को हम बना भी सकते हैं। फिर आगे आप लोग देखें, नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इतिहास सब बात ही के फैलाव हैं, जिसके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दिशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक सब बात कर बनाने वाली है। कहा ये जा रहा है नाना शास्त्र, अनेक प्रकार से के शास्त्र अनेक प्रकार, और महापुराण यानी शास्त्रों को देखा जाए, महापुराणों को देखा जाए, वेदों को देखा जाए, इतिहास को देखा जाए, काव्य कोश को देखा जाए, तीन सब का फैलाव क्या है, बात ही है। सब में बात ही द्वारा एक दूसरे को निर्देशित किया गया है, एक दूसरे को समझाया गया है। अर्थात जो भी आप लोग देखेंगे, महाभारत हो, पुराण हो, काव्य शास्त्र हो, इतिहास हो, वेद हो, सब बातों की ही चर्चाएं की गई हैं, यही लेखक बताना चाह रहा है। अथच लोक परलोक सब बात बताने वाली है, यानी उन सब में इस लोक का और परलोक दूसरे लोक, अर्थात जहाँ देवी देवता यहाँ तक कि परमेश्वर निवास करते हैं, इन दोनों की चर्चाएं इस साहित्य में, इस पुराण में, इस शास्त्र में कही गई है। यद्यव्यात का कोई रूप नहीं बदल सकता, कैसी है पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांत इसके अलग अगणित रूप पाइएगा। ये कहा जा रहा है कि बात का कोई रूप नहीं बदल सकता, लेकिन एक रूप देख सकते हैं। जिस तरह ईश्वर के कई रूप हैं, उसी तरह आपको बात के भी कई रूप देखने को मिलेंगे। जैसे बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात, इत्यादि सब बात ही तो हैं। कभी लेखक ये कहना चाह रहे हैं, बात ही है, जो आपको जो छोटी सी बात लगती है वही बात आपको कभी बड़ी बात लगने लगती है, वही बात आपको सीधी लगती है, कभी कभी वही बात आपको टेढ़ी भी लगने लगती है, कोई बात आपको खोटी लगती है, आपके खटकने लगती है, या और कोई वही बात आपको मीठी लगती है, मृदुल लगती है, आप उसे सुनना चाहते हैं, कोई बात ऐसी होती है जो कड़वी होती है,
जो जिसको आप सुनना नहीं चाहते हैं। भली बात बुरी बात यानी भली प्रकार की बात होती है जो समाज में या 10 लोगों में जिस बात को कहा जाए, बुरी बात यह है जिसे लोग लज्जा महसूस करते हैं, जो दूसरों को दुख पहुंचाती है। सुहाती बात, सुहाती बात का अर्थ सुंदर लगती है, जो बात सुनने में आपको सुंदर लगे, जिसको बोलने में सही लगे वो सुहाती बात है। लगती बात ऐसे भी बात होती है जो हृदय को चोट पहुंचाती है, अर्थात वह लग जाती है। कभी कभी बात ही के कारण बहुत से लोग अपने को आत्मदाह कर लेते हैं, अपने को समाप्त कर लेते हैं। कभी कभी वही बात जो होती है वो आपको नया जीवन भी देती है। अर्थात जिस तरह ईश्वर के कई रूप हैं, उसी प्रकार आप लोग देखेंगे कि बात के भी कई रूप हैं। आगे आप लोग देखें, बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। बात भी को देखें तो ये बात भी कई कामों में देखने के लिए आते हैं। प्रीत बैर, सुख दुख, श्रद्धा घृणा, उत्साह अनुत्साह आदि। यानी ये कह रहा है जे बात ही से लोग आपस में प्रीत कर लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं। वही बात होती है जो आपस में वैमनस्या कर लेते हैं, बैर कर लेते हैं, दुश्मनी साधने लगती हैं। वही बात होती है जो हमें सुख करती है, सुख प्रदान करती है, लेकिन वही बात कभी कभी हमें दुख देती है, हमारे हृदय को चोट पहुंचा देती है। श्रद्धा घृणा, कोई ऐसी बात होती है जिसे श्रद्धा से हम उस बात को पालन करते हैं, कोई ऐसी बात होती है जिससे हमें घृणा मिलती है, जिसे हम घृणित बात कहते हैं। उत्साह, कोई ऐसी बात होती है, वही बात है जिसे हम उत्साहित होते हैं, कोई ऐसी बात होती है जिसे अनुत्साहित हो जाते हैं। अर्थात हम उस काम करने से, अर्थात उस बात से हम अपने कर्म के प्रति पीछे हटने लगते हैं, हतोत्साहित करने लगती है। जितनी उत्मता और सहजतया बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीत से वैसे ही सुविधा नहीं। कहने का अर्थ है उसी बात को अगर सहजता से कहा जाए तो सही लगता है, लेकिन उसी के बात को अगर बात वही है लेकिन उसी के अगर दूसरे रूप से कहा जाए तो उसी वही बात बदल सकती है। दूसरी रीति रिवाज में वैसे ही सुविधा ही नहीं, जैसे एक रीति रिवाज में अगर देखा जाए तो वही बात सही लगती है, वही सुविधा प्रदान करती है, लेकिन दूसरे रीति रिवाजों में उसी बात को देखा जाए वो सही नहीं लगती, आपको असुविधा करती है। ये कह रहा है घर बैठे लाखों कोष का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। ये बात ही है जिसको हम घर बैठे समाचार पत्रों के माध्यम से और टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से हम पूरे विश्व के समाचार को सुन लेते हैं। उसी बात के माध्यम से हमको घर बैठे ही सभी जानकारियां मिल जाती हैं। डाकखाने अथवा डाकघर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। इसी प्रकार का रहा डाकखाने हो या डाकघर हो, यानी पत्रों के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उसी पत्रों के माध्यम से दूसरे की बात हम जान भी लेते हैं, डाकघर या पोस्टमैन इसके माध्यम है। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, ये लेखक कह रहा है। इसके अतिरिक्त आप लोग देखेंगे वही बात बात ही है जो कभी बनने लगती है, वही बात कभी बिगड़ जाती है। तो बात ही है जो कभी हमको दुख पहुंचाती है, वही बात कभी हमको सुख पहुंचाती है। हमारे वही बात जो हम हमारे किसी काम को बनाती है, वही बात जो किसी हमारे काम को बिगाड़ देती है। लेखक कह रहा है बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती रहती है। लेखक क्या कर रहा है, कह रहा है बात आ पड़ती है, कभी ऐसी होती है कि वही बात हमारे सामने आ पड़ती है, अर्थात वही आप बीती बात हो जाती है, वही बात जाती रहती है, वही बात कभी
ये होता है हमारे जान में जान दे देती है, बात उखड़ाती है, बात ऐसी भी होती है जो कड़वी होती है, जो एक दूसरे को उखाड़ देती है, एक दूसरे को चोट पहुंचाती है। हमारे तुम्हारे सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। हमारा काम बनता हुआ काम बात ही से बिगड़ सकता है, अब बिगड़ता हुआ काम बात ही से बन जाता है, अर्थात यही काम हमारे काम ये बात हमारे काम पर निर्भर करती है। बात ही हाथी पाए बात ही हाथी पाँव, लेखक ये कहना चाह रहे बात ही से हमें हाथी मिल सकती है, अर्थात हाथी से जैसे बड़े काम को कर सकते हैं। अब बात ही हाथी पाँव और बात ही के माध्यम से अर्थात दुख को प्राप्त करते हैं, अर्थात हाथी के पाँव के नीचे हमको आना पड़ता है, अर्थात वही बात हमको गर्त में ला सकती है, वही बात हमको ऊपर तक पहुंचा सकती है। बात ही से समय पर आए अपने और अपने पर आए हो जाते हैं। बात ही से बता रहा है, बात ही से अपने बात ही से पराए अपने और अपने पराए हो जाते हैं। बात ही है जो पराए से अपने कर देती है और अपनों से पराए कर देती है। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्पवेयी का पुरुष युद्धोत्साही एवं युद्धप्रिय शांतिशील कुमारगी सुपथगामी अथ च सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाती है। बात ही के माध्यम से कोई मक्खी चूस हो जाता है तो किसी को उदार कहा जाता है, किसी को स्वल्प व्ययी अर्थात आत्मसंयमी कहा जाता है, तो किसी को कायर पुरुष कहा जाता है। बात ही के माध्यम से किसी को युद्ध में उत्साह उत्पन्न करते हैं, अर्थात युद्ध के लिए उत्साही माना जाता है। बात ही के माध्यम से किसी को युद्ध प्रिय लगता है, किसी को शांतशील बनाती है। बात ही वो बात ही कुमारगी को सही मार्ग दिखाती है। बात ही कुमारगी सुपथगामी, बात ही के माध्यम से कुमार्ग लोग यानी जो कुमार्ग अर्थात बुरे रास्ते पर जाते हैं, वे बात ही के माध्यम से सही रास्ते पर आ पहुंचते हैं। अथवा अथ च सुपथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। एक लेखक ये कह रहा है जे बात ही के माध्यम से सुपंथी लोग अर्थात जो सही रास्ते पर जानते हैं, कुराही अर्थात वो गले रास्ते पर चलने लगते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो बात ही सब कुछ है, यानी बात ही सबको सही करती है, बात ही सबका बिगाड़ देती है, बात ही सुमार्गी को कुमार्गी पर ला देती है और कुमार्गी को सुमार्गी पर। बात का तत्व तो समझना हर एक का काम नहीं है। लेखक ये कह रहा है बात के तत्व को अर्थात बात के सार को समझना सबकी बात की बात नहीं है, बल्कि और दूसरे की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसे का साध्य नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि दूसरे के समझ के या दूसरे पर आधिपत्य जमाने योग्य बात को हम गढ़ सकें, ऐसो वैसो का साध्य नहीं है। ये छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है, बल्कि बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महा महा कविश्वरों के जीवन की बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। लेखक ये कहना चाह रहा है बड़े बड़े से कवि लोग विद्वान लोग इसी बात के माध्यम से उनके जीवन के बातों को यानी किसी महापुरुष के बातों को, किसी विद्वान के बातों को, किसी इतिहासकार के बातों को, साहित्यकार के बातों को समझाने में ही उनका समय व्यतीत हो जाता है। सहृदय गढ़ की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ होता है। ये कह रहा है सहृदय की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। ये क्या कि सहृदय के सामने अगर विशाल हृदय वाला रहे यानी सुंदर हृदय वाला रहे तो उस आनंद के आगे सारा संसार उसके आनंद के सामने सारा संसार तुच्छ लगता है।
बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सतकवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालीनी बातें, जिनके जी के और का और न कर दे उसे पशु नहीं पाषाण करना कहना चाहिए। ये कह रहा है कि सुंदरियों के यानी सुंदरियों के स्त्रियों के मीठी मीठी बातें और सही और सत्य कवियों की रसीली बातें, रस से भरी ओरी भरी हुई ओतप्रोत बातें और सुवक्ताओं के सुंदर वक्ताओं के प्रभावशाली बातें, जिनके जीवन को प्रसन्न न कर दे उसे पशु नहीं पाषाण कहना चाहिए। अर्थात उसे पशु ही नहीं, जो सुंदरियों की बातों को और कवियों की बातों को और प्रभावशाली वक्ताओं की बातों को अच्छी न लगे वो पशु नहीं है बल्कि पाषाण है, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि की विशेष समझ नहीं होती, तो भी पुचकार के तूतू पुसी पुसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। लेखक यहाँ उदाहरण दे रहा है क्या कि कुत्ते बिल्ली हमारी पूरी बातें नहीं समझते हैं, लेकिन उनको उसी हिसाब से समझाया जाए जैसे पुचकार कर बुलाया जाए, पुसी पुसी करके बुलाया जाए, तूतू करके बुलाया जाए, तो हमारे पास दौड़ते हुए आते हैं और हम हमारे स्नेह को प्राप्त करते हैं, अपना स्नेह हमें देते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात असर ना हो। ये कह रहे हैं फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्र पर दूसरे हृदय की बात का असर ना हो। फिर वह मनुष्य ही कैसा है जिसके मन पर जिसके हृदय पर दूसरे दयालु की बात असर न करे। अगर दूसरे की बात उसके हृदय पर उसके चित्त में नहीं बैठता है तो वह मनुष्य नहीं बल्कि पशु भी नहीं, यहाँ तक कि वह पाषाण के समान है। तो बच्चों आज हम इस बात के माध्यम से आप लोगों ने कई बातें बताई जो बात ही से सब कुछ हो सकता है, बात ही से हमारे काम बिगड़ सकते हैं, बात ही से हमारे काम बन सकते हैं, बात ही हमको प्रिय बनाती है, बात ही हमको बुरी बनाती है, बात ही हमको सही मार्ग समझाती है, बात ही के माध्यम से हम सही मार्ग पर चलते हैं, बात ही के माध्यम से हम बुरे मार्ग पर आ जाते हैं। तो इस बात यानी कहने का अर्थ है बात ही सब कुछ है। इस प्रकार प्रताप नारायण मिश्र ने बात के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि बात जिस तरह ईश्वर के अनेक गुण हैं, अनेक रूप हैं, उसी तरह बात के भी अनेक गुण और अनेक रूप हैं। तो बच्चों आज बात का यह पाठ इतना ही। अब अगले दिन अगले पैराग्राफ को बताएंगे, उसकी व्याख्या को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।